Good morning, everyone. Continuing with our next topic, that is qualitative characteristics of accounting information. जो main purpose होता है accounting का, that is information provide करवाना about the financial position and performance capability of business. और इस purpose के लिए ये ज़रूरी है कि जो भी आप financial statements prepare कर रहे हैं वो इस तरीके से prepare किए जाएं कि ट्रू पिक्चर जो है बिजनेस की, इकोनॉमिक पोजीशन की और वर्क परफॉर्मेंस की वो नज़र आए. तो जो करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के ताकि उससे ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल सके, वो क्या क्या है. तो फर्स्ट है रिलायबिलिटी, कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है आपकी रिलायबल होनी चाहिए. हम किसी भी चीज़ को रिलायबल तब मानेंगे जब वो इन्फॉर्मेशन बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो और उसे वेरीफाई किया जा सके. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई किस चीज़ से किया जा सकता है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से. जैसे जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं क्या है, परचेज इनवॉइस आपका, सेल्स इनवॉइस, कैश मेमो, एसेट ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स एसेट्रा. अगर ये मेन डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं हैं तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके स्टेटमेंट शो कर रही हैं वो वेरीफाइबल नहीं होंगी, वहाँ पे लैक ऑफ रिलायबिलिटी होगी. देन नेक्स्ट इज़ योर रेलेवेंस. जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो हेल्पफुल होती है इन टेकिंग डिसीजंस बाय डिफरेंट पार्टीज़. तो नेसेसरी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो कर रही हैं वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए. अननेसेसरी और अनसुटेबल इंफॉर्मेशन को आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड नहीं करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आप रेट ऑफ डिविडेंड जो है डिक्लेयर जो कंपनी ने किया है वो सुटेबल इंफॉर्मेशन किसके लिए है, इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि उसी रेट को देखकर इन्वेस्टर्स डिसीजन ले सकता है कि मुझे कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है. तो जो भी इंफॉर्मेशन आप अकाउंटिंग में शो कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स में शो कर रहे हैं, वो रिलेवेंट होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ योर अंडरस्टैंडेबिलिटी. जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंट्स प्रिपेयर जब आप कर रहे हैं उसमें शो कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज उसे यूज़ कर रही हैं, तो उन सबको वो समझाना ज़रूरी है. तो ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट नॉलेज अकाउंटिंग डिक्शनरी की सभी पार्टीज़ को हो. तो जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए कि एक जो कॉमन पर्पस है, ए पर्सन है, उसे वो इन्फॉर्मेशन समझ आ सके. जैसे अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हो तो उसमें आप नोट्स दे सकते हैं कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कौन सा यूज़ किया गया है, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट कौन सा यूज़ किया गया है, या आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं डिफरेंट रिजर्व्स की, स्टेटमेंट दे सकते हैं कंटिजेंट लायबिलिटीज़ की, एसेट्रा जैसी चीज़ें. देन नेक्स्ट इज़ योर कंपेरेबिलिटी. कंपेरेटिबिलिटी भी एक यूज़फुल क्वालिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की. फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरीके से प्रिपेयर की जानी चाहिए कि आप अपने जो रिजल्ट्स हैं उन्हें कंपेयर कर सको, वन ईयर के रिजल्ट सेकेंड ईयर के साथ, या अपनी कंपनी के रिजल्ट्स को आप किसी दूसरी कंपनी के साथ अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वो कंपैरिजन पॉसिबल हो. कंपैरिजन पॉसिबल तभी होगा जब सभी सिमिलर प्रिंसिपल्स यूज़ कर रहे हैं फॉर मेनी ईयर्स. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स के लिए, तो जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है और मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है वो डिफरेंट ईयर्स में चेंज नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि फर्स्ट ईयर में आपने स्ट्रेट लाइन यूज़ किया और सेकंड ईयर में आपने डिमिनिशिंग यूज़ किया, थर्ड ईयर में आपने फिर से स्ट्रेट लाइन यूज़ कर लिया, तो आप थर्ड ईयर को सेकेंड ईयर के साथ कंपेयर नहीं कर पाएंगे. अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार जो मेथड चूज़ कर लिया आपने उसी को फॉलो करना है, आप उसे चेंज नहीं कर सकते. आप उसे चेंज कर सकते हैं लेकिन वो जो चेंज की फ्रीक्वेंसी है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी. ये नहीं कि जल्दी जल्दी एवरी ईयर आप चेंज कर रहे हो, और चेंज क्यों कर रहे हो उसका भी रीज़न आपको देना पड़ेगा. देन नेक्स्ट इज़ योर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस चैप्टर के हैं, दैट इज़ डिफाइन अकाउंटिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम बुक कीपिंग, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. तो इसके साथ जो आपका चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है,
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.